तो आज था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल नंबर 2, और ऑस्ट्रेलिया वॉन द मैच एंड ऑस्ट्रेलिया इज इन द फाइनल एंड प्लेड विद इंशाल्लाह विल प्लेड ऑन संडे अगेंस्ट इंडिया। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भाई आ गए फाइनल में। भाई ऑस्ट्रेलिया ने जो फॉर्म दिखाई, अपने कमबैक किया, शुरू में सब बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बिल्कुल इस बार बाहर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो रही है, मतलब वही हैरत हो रही थी ऑस्ट्रेलिया कैसे बाहर हो रही है यार। मतलब ऑस्ट्रेलिया इतना हर बार हर दूसरे साल तो चैंपियन बन रही होती है, तकरीबन हर साल ही बन रही होती है। भाई ऑस्ट्रेलिया की आप मेहनत चेक करो ना, वो या तो बैटिंग में वो कर देते हैं, अफगानिस्तान वाला मैच देख लो, बॉलिंग फील्डिंग कुछ नहीं चला, तो बैटिंग में मैक्सवेल चल गया एक, और क्या चला वो अकेला। अगर बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग इतनी अच्छी करते हैं, और अगर दोनों में ना चले तो वो भाई अपनी फील्डिंग से भी मैच जितवाते हैं, वो फील्डिंग भी पूरे पूरे छक्के पूरे पूरे चौकों को वो कैच में तब्दील करते हैं। तो भाई इस ऐसी ऐसी मेहनत होती है, ऐसा ऐसा जज्बा होता है, तो आप वर्ल्ड कप जीतते हो वरना नहीं जीतते। तो सबसे पहले आज बात करेंगे साउथ अफ्रीका वालों की। अबे भाई साउथ अफ्रीका वालों, हर मैच में तुम इतने वो चल रहे थे, डीकॉक वगैरह भाई ऐसा मारता है डीकॉक, आज क्या हुआ था डीकॉक आपको? मतलब यार हद होती है, इतनी अर्ली ऑन विकेट्स गिरा दी आपने, फिर मिलर भाई ने पीछे से आके थोड़ा संभाला, अच्छा खेला। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना भी टारगेट दे देंगे, 213 रन का टारगेट दे दिया, वो भी मिलर के ऐसे के, 213 में 102 रन तो सिर्फ मिलर के रन। और 3 ओवर पहले, 2 ओवर पहले साउथ अफ्रीका की टीम आउट हो रही है यार। मतलब पूरे ओवर तो खेल लो, हमारे पाकिस्तानी तो ना बनो कि 5 5 ओवर पहले 3 3 ओवर पहले आउट हो रहे हो, ऑल आउट। कम से कम 50, मिलर भी थोड़ा सा रुक, अब खैर 100 के बाद उसने मारनी थी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि विकेट 3 पे विकेट थी और रन्स काफ़ी कम थे, तो उसने तो मारना था, लेकिन हिटिंग थोड़ा सा रुक के, 2 ओवर पड़े थे अभी, थोड़ा सा रुक के और कर लेता। लेकिन बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की। भाई आप ये कहते हो कि भाई भले उन्होंने आज उनसे स्कोर नहीं हुआ, स्कोर बहुत कम था, लेकिन जान लड़कों ने मारी है। मतलब भाई ऑस्ट्रेलिया की भी, भाई शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या, वार्नर और वो पागल हो गए, मुझे तो लगा ये भाई 15 16 ओवर में मैच ख़त्म कर देंगे या 20 ओवर में मैच ख़त्म कर देंगे। जिस तरह वार्नर और वो मार रहे थे ना, 6 ओवर में भाई 60 रन, पावर प्ले का ऐसे यूज़ होता है, मतलब 6 ओवर में ऑस्ट्रेलियन ने 60 रन मार दिए, हमने कहा लो भाई। लेकिन फिर रबाडा और वो उनके स्पिनर विलियन ने 2 3 अर्ली ऑन विकेट ली, तो थोड़ा उनको रोका, लेकिन ये है कि एंड तक एफर्ट अच्छी करी, 7 8 आउट कर दिए ऑस्ट्रेलिया के भी। लेकिन थोड़ा सा डिफेंडिंग टोटल और होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भाई 350 भी हम कहते हैं कम है, यहाँ तो 300 भी नहीं, क्या 250 भी नहीं थे, यहाँ तो 215 रन। यार ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा डिफेंड, एक मेहनत अच्छी करी, 8 आउट 7 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलियन के भी। लेकिन वही बात है कि इतनी बॉलिंग होगी और इतनी ज़्यादा बॉल्स हैं और इतने कम रन हैं, तो वो मारने की तरफ जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, सिंगल डबल करके भी गेम ख़त्म कर सकते हैं। तो सीन ये है कि भाई मैच बहुत अच्छा रहा आज का, अब देखते हैं फाइनल कैसा होता है, क्योंकि जिस तरह इंडिया अनडिफिटेबल जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस का पता है अगर वो सेमीफाइनल जीत जाए तो फिर वो फाइनल में भी नहीं छोड़ते। हमारे साथ भी लास्ट टाइम ये हुआ था कि वो इतनी कोई नॉर्मल टीम चल रही थी, उन्होंने हमें सेमीफाइनल लाया, उसके बाद तो फिर फाइनल भी जीत के अपने जूतों में शराबें डाल के पी थी। तो लेकिन अभी इंडिया भी, इंडिया में मैच हो रहा है और इंडिया इतनी टॉप फेवरेट जा रही है कि अनबीटेबल जा रही है, तो देखते हैं। इंडियन की भी टीम अच्छी है, एफर्ट्स वो भी अच्छी कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियंस तो आपको पता है कैसी एफर्ट करते हैं, तो देखते हैं फाइनल में इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छी बात यह है कि फाइनल है संडे को, तो सुकून से बैठ के देखेंगे और आपको फिर अपडेट देंगे क्या होता है। और हाँ दूसरी तरफ मैंने ये बात करनी थी, हमारी टीम जहाँ पाकिस्तान वापसी पहुँची है, भाई कॉन्टेंट कोई नहीं छोड़ा हमारा, मतलब हमारी पाकिस्तानी टीम और हमारा पाकिस्तानी बोर्ड PCB हमें कॉन्टेंट से आगाह रखते हैं। तो नए अपडेट यह आई है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया है, और T20 के कप्तान हमारे शाहिन अफरीदी बने। अब सब बोल रहे हैं कि शाहिद अफरीदी का दामाद है, शाहिद अफरीदी बार बार बोल रहा था कि इसको कैप्टन बनाओ, तो शायद इसलिए बना। चलो इस पर तो एक डिबेट, एक अलग चीज़ है, उस पर बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना है शान मसूद को, जो भाई ना टीम में है था कुछ टाइम पहले से ना कुछ, और वो भाई टेस्ट क्रिकेट का आके कप्तान बन गए, तो उसके बारे में बड़ी मीम वीम चल रही है कि भाई ये जो अल्लाह उसका उसको कैप्टन बना सकता है, वो हमारा भी कुछ अच्छा कर ही सकता है। तो पता नहीं किस सेंस में बनाया है, क्या रिकॉर्ड देखा है, लेकिन अब देखते हैं। वनडे की कैप्टनसी अभी अनाउंस नहीं हुई, तो देखते हैं वनडे का कैप्टन किसको बनाते हैं, तो अब देखते हैं हम अगली सीरीज में हम क्या कमाल करते हैं। अभी तो वर्ल्ड कप फाइनल का इंतज़ार है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मस्ट है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ला